देखो, तो मुझे सबसे पहले ये बता दें बेटा, इसमें ए क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 2k। बी क्या है? -3। सी इज इक्वल टू 3 4k। ये आगे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सम तो कैलकुलेट करें, सम ऑफ रूट्स, उस फार्मूला इज -b/a। वैल्यू पुट करें -3 डिवाइडेड बाय 2k मीन्स 3/2k, दैट इज द सम। अब प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a। सी क्या है हमारे पास? 4k, और a क्या है? 2k, और बेटा इसमें k k से कैंसिल और 2 इसके साथ कैंसिल, तो जस्ट 2 आ गया। एज पर स्टेटमेंट बेटा, स्टेटमेंट पर हो ये लिखा हुआ है सम, ठीक है जी? सम ऑफ द रूट्स ऑफ कोई हाँ, सम इज इसका थोड़ा इक्वल बताओ। टू द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी स्टेटमेंट के मुताबिक पता है क्या? सम इक्वल ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि सम ऑफ रूट्स जो है ना वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो यहां पर सम की वैल्यू लिखें, ऊपर आपने कैलकुलेट तो किया हुआ सम 3/2k, यहां पे 2 लिखा, और साथ में प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का आंसर तो ये नहीं आया हुआ 2, 3/2k जी इज इक्वल टू 4। 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2k, या इसको हम